अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी ये 2 टीयर केक जो कि मैंने 12 पाउंड में बना के तैयार किया था। और इसकी लुक आप चेक कीजिए, बिल्कुल बटर क्रीम की लुक आ रही है। तो किस तरह से हम फ्रेश क्रीम को बटर क्रीम में चेंज कर सकते हैं, यानी उस जैसी लुक देख सकते हैं। उसके अलावा इसके ऊपर देखिए ये सारे टॉपर्स जो कि मैंने कॉइंस बना के लगाए हैं, जो इसके ऊपर आपको ये वॉलनट्स नज़र आ रहे हैं और जो रेड कलर के ये आपको पंख से नज़र आ रहे हैं। ये सारी की सारी डिटेल आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ईच एंड एवरी पॉइंट जो है मैं आपको क्लियर करूँगी। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास आया था 12 पाउंड 2 टीयर केक का ऑर्डर, तो मैंने इसके लिए इसे 2 पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड किया था। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैंने क्रम कोट करके इस 8 टीयर केक को मैंने रात भर के लिए फ्रिज में रखा था। अब उसके बाद मैंने इसे सुबह के टाइम अब फ्रिज से निकाल लिया है और अब मैं इस पर फाइनल कोट कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि केक की मेरी जो क्रम कोट वाली लेयर है नीचे, वो कितनी अच्छी तरह से मैंने क्रम कोट किया हुआ है। बिल्कुल भी क्रम्स वगैरह नज़र नहीं आ रहे, बिल्कुल इक्वल फिनिशिंग के साथ क्रम कोट किया था। उसके बाद मैंने पाइपिंग बैग में क्रीम को भर लिया है। क्रीम के अंदर जस्ट मैंने 1 ड्रॉप येलो फूड कलर का ऐड किया था, तो इसके अंदर ये बटर क्रीम वाली लुक आ गई थी, यानी इसका कलर थोड़ा सा येलोश की तरफ चला गया था। बिल्कुल ऐसी लुक दे रहा था केक जैसे ये बटर क्रीम से तैयार किया हो। तो ये देखिए, अब मैंने पाइपिंग बैग में क्रीम को भरा है और मैं पाइपिंग बैग में भर के क्रीम केक को क्रीम से कवर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे फ़ाइनल कोट करना है। तो फाइनल कोट आपका उस वक्त तक नीट नहीं होगा जब तक आप केक को क्रम कोट अच्छी तरह से करने के बाद ठंडा नहीं करेंगे। तो ये थी जी पहली टिप नीट फिनिशिंग देने के लिए, कि आपने इस बात का ख़ास ख्याल करना है कि जब आपने केक को क्रम कोट कर लेना है, तो वो करने के बाद आपने इसको रात भर के लिए फ्रिज में ज़रूर रख देना है, और सुबह के वक्त जब आपने कस्टमर को केक डिलीवर करना है, उससे आप 1-2 घंटा पहले इस पर फाइनल कोट करें और इसकी नीट आइसिंग करें। तो ठंडे केक के ऊपर जब आप क्रीम को अप्लाई करेंगे, तो यकीन करें इतनी फिनिशिंग आती है और इतनी स्मूथली ये क्रीम जो है सेट हो जाती है ना, कि बस जादू हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पूरे केक को क्रीम से कवर किया था, उसके बाद मैंने इसको देखें इसको फिनिशिंग दे ली थी। जब ये नीट हो गया तो इसको मैंने किया एक साइड पे, फिर मैंने केक का दूसरा टीयर जो कि 4 पाउंड्स में था, उसको भी सेम मैंने इसी तरह से क्रम कोट करके फ्रिज में रख दिया था। और अब ठंडे केक के ऊपर मैं क्रीम अप्लाई कर रही हूँ नेक्स्ट डे, और ये देखिए माशाल्लाह से इसको भी मैंने नीट कर लिया है। तो आज की वीडियो में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो एक तो ये थी कि आपने फ्रेश क्रीम को बटर क्रीम की लुक कैसे देनी है, तो उसकी मैंने आपको टिप बता दी है कि जब आपने क्रीम को बीट करना है, तो उसके अंदर सिर्फ 1 ड्रॉप आपने येलो फूड कलर का ऐड कर देना है, तो आपकी जो फ्रेश क्रीम है ना, वो बिल्कुल बटर क्रीम की लुक में आ जाएगी। और दूसरा ये कि आपने किस तरह से 2 टीयर केक के अंदर स्टैकिंग करनी है। तो यहाँ पे देखिए जी, अब केक को आ गया स्टैक करने का टाइम। तो मैंने इस तरीके से एक मेरे पास पैलेट नाइफ़ है, एक मेरे पास जो केक कटिंग नाइफ है, ये दोनों मैंने इस तरह से नीचे रखी हैं। केक को मैंने उठाया है जो 4 पाउंड्स वाला था, और जो 8 पाउंड्स वाला केक है ना, इसके ऊपर देखिए सेंटर में मैंने ना एक मार्क बना लिया था केक टिन की मदद से, कि मुझे ताकि पता चल जाए कि मैं केक को कहाँ एडजस्ट करने। और इस तरह आराम से आपने नाइफ़ को नीचे से निकाल लेना है, और फिर दूसरी नाइफ़ को भी आपने इस तरह से रिमूव कर लेना है। बहुत आसानी के साथ बड़ी इजीली ये स्टैकिंग हो जाती है। बस यहाँ पे ये ख्याल करना है कि इतनी तेज़ी से नाइफ़ नहीं निकालनी कि नीचे से क्रीम ही सारी उखाड़ के ले आए, बस आपने आराम से देखें इस तरह से पीछे हटानी है। तो यहाँ पे ये केक स्टैक हो गया हमारा। नीचे मैंने जो थे इसके अंदर डोल्स और स्ट्रा वगैरह आप यूज़ कर किए हुए हैं, ताकि केक को नीचे से सपोर्ट रहे। और उसके बाद की अब बाकी फिनिशिंग आप देख लें, मैंने फिर कर ली थी इस तरह से, मैंने केक के ऊपर बॉर्डर बना लिया था। बॉर्डर बनाने के बाद इसके ऊपर जितने भी मैंने इसके फोंडेंट के टॉपर्स तैयार किए थे, वो सारे के सारे एडजस्ट कर दिए थे। और यहाँ पे ये जो रेड कलर के मैंने पंख बनाए हैं ना, ये पहले मैंने फोंडेंट के साथ बनाए थे, लेकिन यकीन करें वो इतने रफ लग रहे थे, बिल्कुल भी नीट लुक नहीं आ रही थी, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। तो फिर मुझे आइडिया आया, मैंने दोबारा से जब केक कस्टमर की पिक्चर को देखा, तो मुझे हुआ कि इनको पेपर से तैयार किया जाए। तो ये ग्लेज पेपर जो कि आम पेपर शॉप से मिल जाता है किसी भी स्टेशनरी शॉप से, वो लेके मैंने उसे डबल किया, डबल करके फिर मैंने इसके ये पंख तैयार किए, और ये थी जी केक की फ़ाइनल लुक आपके सामने। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कस्टमर का फीडबैक भी बहुत अच्छा आया था, कस्टमर ने पिक्चर्स भी शेयर की थी मेरे साथ केक कटिंग की, और बेहद पसंद आया था उनको, केक सेफली डिलीवर भी हो गया था। तो आई होप कि आपको आज की मेरी इस वीडियो से केक स्टैकिंग की जो है वो समझ आ गई होगी। अगर कोई पॉइंट समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।